वेलकम टू क्रैकेट। आइए, क्रैकेट पर आपका स्वागत है। हम आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट, नया विषय होगा। विषय का नाम होगा इकोनॉमिक्स। चूँकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीज़ों का कंसेप्ट सही क्लियर नहीं बन पाता बच्चों का, तो हम कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताएंगे और छोटी छोटी क्लियरिटी को क्लियर करेंगे। चलें देखते हैं। तो आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाम है टैक्सेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं कराधान। अब कराधान के अंतर्गत कुछ शब्दावलियों पर ध्यान देंगे, जैसे कराघात, करापात, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, कुछ उदाहरण देते हैं पहले कराघात के बारे में। कराघात, करापात और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सभी को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। माना एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यदि किसी सर्विस वाले के ऊपर टैक्स इम्पोज किया और उस आदमी ने ही सरकार को पेमेंट किया, तो इसे बोलते हैं जब किसी आदमी के ऊपर टैक्स लगाया जाए और वही आदमी ही टैक्स अदा करे, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है कि जिसमें आरोपित किया जाता है, आरोपित करने वाला ही टैक्स अदा करता है, यानी कि कराघात और करापात दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरी बात, जब हम गवर्नमेंट है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सुना है अभी आपने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जिसे जीएसटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसे? मान लीजिए कि कोई वस्तु बनी, माना कि पेन बना, पेन दुकान में पहुंचा, दुकानदार से छात्र के पास पहुंचा, तो छात्र जो अंतिम खरीदने वाला है वो टैक्स पेमेंट करता है और वो टैक्स दुकानदार के थ्रू कहां पर जाता है, गवर्नमेंट के अंतर्गत जाता है। तो यहां पर कराघात और करापात, यानी कि कराघात तो स्थानांतरणीय है, करापात स्थानांतरणीय नहीं है, दोनों दोनों अलग अलग बिंदु पर आरोपित होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक, अब कराघात और करापात, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषाएं समझेंगे। ठीक है, देखिए कि कराघात क्या होता है। कराघात यह आरोपण का प्रथम बिंदु है। कराघात क्या है, आरोपण का प्रथम बिंदु है, यह स्थानांतरणीय है। कैसे पता चला स्थानांतरणीय है? ठीक है, कारण हुआ कि जब यहां पर जाएंगे हम, इसमें देखेंगे तो कराघात ये स्थानांतरण बिंदु, यहां से कराघात की जगह करापात में जाएंगे। अब करापात के बारे में बात करते हैं, ये आरोपित यानी कि कर आरोपित का अंतिम बिंदु है, ये स्थानांतरणीय नहीं है। क्या नहीं है? ये स्थानांतरित नहीं। अब इसकी डेफिनेशन आगे, प्रत्यक्ष कर। जब प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन क्या होगी कि कराघात और करापात जब दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं तब क्या होता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर जब कराघात और करापात दोनों अलग अलग बिंदु पर आरोपित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यही टैक्सेशन पर अभी ये सब बातें आएंगी, यानी कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ बिंदुओं को, जैसे कि अधिभार। ठीक, अधिभार। और दूसरा शब्द होता है उपकर। उपकर को सेस बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सेस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और अधिभार को क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बिंदु यानी कि दोनों शब्दों को समझेंगे कि अधिभार क्या है और उपकर क्या है। ठीक, तो अधिभार जब अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए, यानी कि अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, जैसे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो आदि के समय में अधिभार को क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। उपकर क्या है, यह भी कर के ऊपर कर है, अधिभार भी कर के ऊपर कर है और उपकर भी कर के ऊपर कर है। ठीक है, यह भी अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा क्षेत्र पर, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र पर इस समय कितना, 4% उपकर लग रहा है। ठीक है, पहले 2% था, फिर बढ़ते बढ़ते 3% और 4% में चला गया। ठीक है, वर्तमान में ये शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर के नाम से जाना जाता है और कितने परसेंट हो गया है, 4% हो गया है।
ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सेस ये खास तौर पर कई एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक। जैसे प्रगामी कर, दूसरा अप्रगामी कर, तीसरा प्रगामी कर, अप्रगामी कर, और आगे बताएंगे अभी टाइप ऑफ टैक्सेस। प्रगामी कर, अप्रगामी कर, अनुपाती कर और अधोगामी कर। यानी प्रगामी कर का मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, अप्रगामी का बैकवर्ड टैक्स होता है, अनुपातिक प्रोपोर्शनेट टैक्स होता है, और अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव टैक्स होता है। अब हम इनको अलग अलग प्रकार से समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं प्रगामी कर। प्रगामी कर क्या होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो टैक्स स्लैब होता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर होगा कर की दर होगी, ठीक है। यानी इसे कह सकते हैं कर का आधार होगा, कर का आधार, ठीक। अभी जो बजट पेश हुआ है 2020-21 के, उसके आधार पर चलेंगे, ठीक है। जीरो से लेकर के 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख तक 50, ठीक है। 2.5 लाख से ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। ये कर आधार हुआ और यहाँ पर कर की दर, यानी कि ये टैक्स फ्री हो गया। फिर हम चलेंगे 2.5 से लेकर के कहाँ तक, 5 लाख तक, ठीक। इसमें कर की दर कितनी है, 5% की है। फिर 5 लाख से लेकर के 7 लाख तक, 7.5 लाख तक था, कितना हो जाएगा, ये इसको हो जाएगा 10%। फिर इसके बाद 7.5 लाख से लेकर के कब तक चलेगा, 10 लाख तक, फिर कितना हो जाएगा, 15%, ठीक। 10 लाख से लेकर के आगे कितना चलेगा, 30 लाख तक, ठीक है। आगे आधार बढ़ता चला जाएगा, मान करके चलिए ये आधार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कर का आधार है और ये कर की दर है। जब कर के आधार जितना बढ़ता चला जाए और उसमें कर की दर भी बढ़ती चली जाए, ठीक है, कर का आधार के साथ कर की दर बढ़ती चली जाए, तो इसे क्या कहते हैं, प्रगामी कर कहते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद आइए अप्रगामी कर, इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, कर के आधार तो बढ़ती चले जाए, ठीक है, लेकिन कर की दर ना बढ़े, ठीक है। कर की दर क्या हो, घटती चली जाए, तो इसे क्या कहेंगे, अप्रगामी कर कहेंगे। सबको एक साथ लिख करके समझेंगे, प्रगामी, अप्रगामी, आनुपातिक और अधोगामी, ठीक। यहां पर कर का आधार रख देते हैं, ठीक है, 0 से 2। हम मान करके चलते हैं यहां पर तो टैक्स फ्री ही है, ठीक। अब चूंकि उदाहरण के स्वरूप ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर प्रगामी है, ये अप्रगामी है, तो अप्रगामी में हम शुरुआत करते हैं 5% से, अनुपाती में भी शुरू करते हैं 5%, अधोगामी में भी शुरू करते हैं 5%, ठीक है। तीनों को समझेंगे, फिर मान लीजिए कि 2 से 5 लाख में आए, ठीक है, ये तो बढ़ेगा ही 5%, अप्रगामी होगा इसको 4%, अनुपातिक होगा इसका भी कितना कर देंगे, 5%, और ये अधोगामी होगा इसका भी कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक।
सेम आगे चलेंगे 5 से 7.5 लाख, ये तो बढ़ेगा 10% अप्रगामी है, 3% आनुपातिक है, 5% अधोगामी है, 3%। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं 7.5 से लेकर के 10 लाख तक, ये तो 15% हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा, आनुपातिक में सेम ही रहेगा और इसमें क्या होगा, स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे जैसे कि 10 से लेकर के 12.5 लाख, ठीक, तो इसमें तो 20% हो जाएगा, इसमें 1% हो जाएगा, इसमें 5% रहेगा और इसमें कितना रहेगा, इसमें 3% रहेगा। इसमें क्या अधोगामी कर में क्या होता है कि प्रगामी प्लस आनुपातिक का मिक्सचर होता है, पहले ये घट रहा है और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इन तीनों का कंक्लूजन एक साथ आ गया, यानी कि चारों का, प्रागामी कर, अप्रगामी कर, अनुपातिक कर और अधोगामी कर। यानी प्रगामी कर, कर आधार के साथ में टैक्स की दर बढ़ती जाए, अप्रगामी कर, कर आधार के साथ में टैक्स की दर घटती जाए, अनुपातिक कर में कर आधार में तो वृद्धि हो लेकिन टैक्स में कोई वृद्धि न हो कर दर में, और अधोगामी कर में क्या हो, पहले तो घटे और फिर क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, उसे अधोगामी कर कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है, अब एक शब्दावली को और ध्यान देते हैं, जस्टिसिंग टैक्स। जस्टिस इन टैक्स, जस्टिस इन टैक्स, इस बात पर क्या समझना है कि भारत में क्या है, प्रगामी कर व्यवस्था है, भारत में प्रगामी कर व्यवस्था है और टैक्स में जस्टिस पाया जाता है। मतलब जस्टिस इसलिए पाया जाता है कि जो ज्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और जो कम कमाता है उससे कम टैक्स लिया जाता है, तो यही कहलाता है जस्टिस इन टैक्स। और भारत में प्रगामी कर व्यवस्था है और जस्टिस इन टैक्स लागू है। ठीक, अब आगे आने वाले पार्ट टू में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और उसकी लिस्ट जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक, धन्यवाद।